हरे कृष्णा। तो सुबह का कुछ मेरा इस तरीके से होता है रूटीन, कान्हा जी का पहले स्मरण करने का, इसमें कान्हा जी की पूजा करने के बाद, माता रानी का नाम लेने के बाद, फिर रात की जो भाजियों को अगर नहीं साफ़ करती हूँ उन्हें अच्छे से क्लीन करके फ्रिज में रखती हूँ, और मंदिर के जो भी बर्तन हैं उन्हें क्लीन करती हूँ, साफ़ करती हूँ, और गैस के चरण पकड़ के छूती हूँ कि अच्छे से भोजन तैयार करवा। और उसके बाद ये लाल बटाटे थे छोटे छोटे, मैं लेके आई थी तो कान्हा जी के लिए भोग बनाने के लिए छोटी छोटी के भुजड़ी बनाया और रोटी और कान्हा जी को भोग लगाया, और उसके बाद आगे के काम में लग गए। फ्रिज को क्लीन किया क्योंकि फ्रिज हफ्ते में एक बार ज़रूर क्लीन करती हूँ, क्योंकि कहीं इधर उधर हाथ कोई जूठा ना लगा दे। उसके बाद कपड़ों को वॉश किया और उसके बाद चाय और मुठरी मैंने खाया, ये दूसरी दफ़ा की चाय है मेरे। और उसके बाद बालकनी में इतने पूरे रखे हुए थे सामान, सबको हटा के अच्छे से उसे क्लीन किया, साफ़ किया, और फिर बैठे बालकनी में, बालकनी में बैठ के झाड़ पौधों से अपने बात की। कुछ इस अंदाज से मेरा सुबह का रूटीन होता है। इस समय कोई और काम नहीं तो सोचा है खुद पर थोड़ा सा ध्यान करने का, थोड़ा सा और केयर करने के लिए, लेकिन कितने दिन होगा पता नहीं, वो भी मुझे। और अपनी ढोल को थोड़ा सा धूप दिखाए, क्योंकि धूप दिखाना ज़रूरी रहता है ढोल को, तो इसलिए थोड़ा सा धूप दिखाए। भतीजिन के आ गए, भतीजिन मेरी चाय बनाने लगी, और चाय बनाते बनाते उसने ना ढक्कन है ना चाय के अंदर डाल दिया, और वही चाय बनाया हुआ हम सबको है ना पिलाया, और हम लोग बड़े प्यार से पी गए। क्या कर सकते थे, भतीजी ने हमारी प्यारी। और उसके बाद घर पे मैंने छोटा सा बनाया, ये ट्रे खराब हो चुकी थी और ये कुछ छिलके पड़े थे, तो पिस्ते के उसको इसमें चिपका के काला ब्लैक से मतलब ट्रे को अच्छे से ढक दिया, क्योंकि मुझे वो ट्रे खराब हो गई थी, मेरे दिमाग में कुछ आइडिया आ रहा था, मैंने बनाया और हंस रही थी। पीछे से मेरा लड़का बोल रहा था कि मम्मी से रखोगी, कहा मेरे बेटा बना लूँ फिर रखने की भी जगह देख लेती, क्योंकि हम भाड़े पे हैं तो रखने की जगह की प्रॉब्लम हो जाती है, बट कोई बात नहीं, उठा के रख देंगे, कभी ना कभी काम आएगा। फिर से मैंने अच्छे से कलर किया, फिर थोड़ा सा ओवर एक्टिंग किया, मुंह बनाया, और अपने मेरा लड़का देख देख के हंस रहा था मुझे, क्योंकि मुझे ये सारे काम करने में बहुत अच्छा लगता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, पहले नहीं कर पाया तो क्या हुआ, ज़िंदगी ने मौका दिया है दोबारा, तो फिर अब घर में कुछ ख़राब चीज़ों से बनाने की कोशिश ज़रूर करती रहनी चाहिए, क्योंकि या तो अच्छा बनेगा या तो बुरा बनेगा। अच्छा बनेगा तो भाई अच्छे से उसको सजा देंगे, और नहीं बनेगा तो भी कोई ये नहीं कि हाँ हमने ख़राब कर दिया, अरे हाँ ख़राब चीज़ों से ही बना रहे थे, नहीं बना कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे दोबारा। मैं ये सोच कर कोई भी चीज़ करती हूँ, दोबारा फिर कोशिश करेंगे, शायद उससे बेहतर बन जाए और शायद उससे अच्छा बन जाए। ये देखने के बाद लास्ट में बताएगा कि ये कैसा बना है। आई होप अच्छा बना हो, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अपनी बनाई हुई चीज़ें किसे खराब लगती है। और जब मैं बनाने बैठती हूँ तो मेरा मुंह ऐसे ही रहता है कि भाई कहीं गलत ना हो जाए, कुछ अच्छा सा निकले, जो भी बना रही हूँ अच्छा सा बना के निकले। और हम हाउसवाइफ का या किसी का भी यही रहता है, जो हुनर पीछे कहीं दब जाता है उसे दोबारा जब आता है तो कई लोग जज करते हैं, तो जज नहीं करना चाहिए बट करते हैं, क्या फालतू की चीज़ें हैं, क्या ख़राब चीज़ें बना रहे हो, बस यही है। लेकिन मैं ऐसी ही हूँ, मैं ऐसे ही मतलब बेस्ट सामानों से कुछ बनाने का सीखना, मुझे डांस गाना ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है। दूसरों की चुंगली चाहे तो नहीं कर रहे हैं, प्रभु का थोड़ा नाम लेते हैं और थोड़ा से अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। ज़िंदगी मेरी ऐसी सिंपल से तरीके से ऐसी चलती जा रही है। और आप लोग कैसे हैं, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा, और हरे कृष्णा का नाम जाप करते रहिए।